और आप सुन रहे हैं ट्विन सिटी का नंबर वन रेडियो स्टेशन 90.4 सोवा रेडियो। और हमारे साथ सोवा यंगिस्तान के इस एपिसोड में एक ऐसे इंसान आ चुके हैं जिनकी तारीफ में कितना भी कुछ कहूं कम पड़ जाएगा। और हमारे साथ हैं आरजे गजाला। सो हाय गजाला, कैसे हो आप? हेलो कुणाल। जो इंसान हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं वो उड़ीसा के ही नहीं, भारत के ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के यंगेस्ट डिमोनोलॉजर है। मैं आपको ये बता दूं कि डिमोनोलॉजर होता क्या है, जो कि पारनॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करता है, जो कि आपके आसपास में कुछ गलत हो रहा है, गलत नहीं, कुछ अलग हो रहा है, और वो उससे उसके पीछे पारानॉर्मल एक्टिविटीज का हाथ है उसको इन्वेस्टिगेट करता है। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सर्वजीत मोहंती। तो हेलो सर्वजीत, कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। एक बात बताओ मुझे, तुमसे एक बात मुझे पूछनी थी बहुत पहले से। जी यार, हम लोग हैं नॉर्मल इंसान, वो भूतों से ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से दूर भागते हैं, और तुम्हें और उसको इन्वेस्टिगेट करने के पीछे पड़े हुए हो, क्या बात है? वो तो ऐसा हो गया ना कि अगर घर पे आग लगी है तो फायर फाइटर लोग अंदर भागते हैं और बाकी के लोग बाहर भागते हैं। अरे यार, बहुत बड़ी बात कह दी यार तुमने। क्यों गजाला? दोस्तों, सर्वजीत 16 साल की उम्र से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था और 19 साल में उन्हें वर्ल्ड्स यंगेस्ट सर्टिफाइड डेमोनोलॉजिस्ट का टाइटल भी मिला। सो सर्वजीत, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि रियल लाइफ घोस्ट बस्टर्स बनने के पीछे की बैक स्टोरी क्या थी? तो पहली बात तो ये है कि घोस्ट बस्टर जो वर्ड काफी पुराना हो गया है, या फिर काफी मिसकंसेप्शन टाइप का चीज होता है, बट अगर आप हमको पूछें कि हम अपने आप को क्या बोलते हैं, तो हम लोग अपने आप को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं। और जैसे कुणाल ने पहले स्टार्टिंग किया, डिमोनोलॉजिस्ट एक अलग होता है और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अलग होता है। जी। मतलब ये है होता है कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। और तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि 16 साल का था मैं तब, और अंधेरे से मुझे काफ़ी डर था, डार्कनेस यूज टू अनर्व मी। तो कुछ भी होता था, जैसे कि अगर मुझे वो रूम में जाना है और वो रूम में अंधेरा है तो मैं नहीं जाने वाला वहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है देर इज समथिंग इनसाइड वो अंधेरे के अंदर, और मैं जाऊँगा तो वो कुछ करेगा। तो वो जो होता था, ये 16 साल का एक पॉइंट आया मेरे लाइफ में, जब मैंने खुद को क्वेश्चन किया कि मैं किससे डर रहा हूँ और क्यों डर रहा हूँ। और शायद वही क्वेश्चन था जो पूरा टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में, बिकॉज वो जो आंसर मुझे मिला मेरे क्वेश्चन के, मैं किससे डर रहा हूँ, एंड आंसर वाज के मैं जिसको नहीं जानता मैं उससे डर रहा हूँ। बिल्कुल। तो पता करते हैं कि मैं किससे डरता हूँ, एंड वहीं से मेरा रिसर्च चालू हुआ, एंड बाकी सब कुछ ने फॉलो। जी बिल्कुल सर्वजीत, आपको एक बात बता दूं, आप मतलब कि हम ग्रेवियर्ड जाने से इतना डरते हैं, बट आप वहाँ पे ग्रेवियर्ड में जाके इन्वेस्टिगेट करते हो, भूतों के साथ बात करते हो, आपको डर नहीं लगता ये सब? नहीं, अब जैसे डर मन में भरा जाता है, आप एक छोटे बच्चे को ले लो जब वो पैदा होता है, उसके मन में डर नाम का कोई चीज ही नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको फेंकते हैं, खेलते हैं उसके साथ, मनमर्जी वो करते हैं, लेकिन उसको डर नहीं लगता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसके अंदर भरा जाता है कि वैसे नहीं करना, ये हो जाएगा। और हम लोग तो बड़े ही हुए हैं ग्रैंड पेरेंट्स के स्टोरी सुन के, वो पेड़ के पास मत जाओ। सबसे फनी स्टोरी जो मैंने सुना था कि वो पेड़ के पास मत जाना, वो पेड़ का जो ट्रंक है वो अलग हो जाएगा और उसके अंदर से एक औरत आएगी जो आपको लेके अंदर चली जाएगी। इट वॉज द फनी स्टोरी जो मैंने सुना हुआ था। तो वो डर भरा जाता था, लेकिन मेरे मन में भी था ऑफकोर्स रीजन, 16 साल तक यही था मेरे मन में कि यार अंधेरा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। लेकिन हाँ, अब डर को आप तभी भगा सकते हो तब आप डर को समझोगे। जी बिल्कुल। आपका पैरानॉर्मल शो मानो कि ना मानो का सीजन 1 कलिंगा टीवी पे आया था, वो बहुत ही सक्सेसफुल शो था, मैंने भी देखा था, सबने देखा था। तो आर यू प्लानिंग फॉर सीजन 2? हाँ, ये ऑफिशियल नहीं हुआ, शायद पहली बार हो रहा है यहाँ पे पब्लिकली कि हाँ हम लोग सीजन 2 पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी शूटिंग चालू हो चुकी है इसकी। हाँ, वी आर कमिंग अप विद द सीजन 2। सीजन 1 में लाइक क्या एक्सपीरियंस था, कितने एपिसोड्स आपने किए? पहला एक्सपीरियंस तो ये था कि हाँ, अगर कोई अभी मुझे पूछे कि आपका स्टेट कितना हॉन्टेड है, तो मैं बोलूंगा हाँ, पूरे इंडिया में ओडिशा इज द मोस्ट हॉन्टेड स्टेट, आई वुड से। ओह माय गॉड, इतने मैंने लोकेशन इन्वेस्टिगेट किए हैं। पहले सीजन में हम लोगों ने 50 लोकेशंस किए थे, और विच इज अ बिग नंबर फॉर समवन लाइक जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि वैसे जनरली नहीं मिलते हैं, टबू है टोटली पैरानॉर्मल इंडिया में। लेकिन हम लोग को 50 लोकेशंस मिले, लोग कोने कोने से कॉल कर रहे हैं,
केंद्रापड़ा जैसे एरिया से जहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक एलियन वर्ड है, वहाँ से लोग कॉल करके हमको बोल रहे थे कि सर हमारे घर में कुछ हो रहा है, आप आके साइंटिफिकली चेक करो। तो वो अपने में ही एक माइलस्टोन था मेरे लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप सुनते रहिए 90.4 सोआ रेडियो। वेलकम लिसनर्स एंड यू आर ट्यून्ड टू 90.4 सोआ रेडियो। और हम बात कर रहे थे सर्वजीत मोहंती से, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है अगर उनके लफ्जों में कहूँ तो। तो सर्वजीत मुझे ये बताइए कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, आपको कैसे पता चलता है कि आपके सामने आपके कोई कान में आके बोलता है कि आप क्या कुछ यूज करते हो मशीनरी वगैरह? नहीं बिल्कुल, आपने दोनों चीजें जो आपने कही दोनों चीजें ही सही है। कानों में भी आके पता चलता है, आप बैठे हुए हो और आपको कानों में आके कुछ व्हिस्पर सुनाई देते हैं, पता चलता है कि कुछ है। मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं जो कि हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है बाहर से, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल। सर्वजीत, स्पिरिट्स की बात करें तो कुछ अच्छे स्पिरिट्स होते हैं, कुछ बुरे स्पिरिट्स होते हैं, आप उनमें डिफरेंशिएट कैसे कर पाते हैं? जैसे आप अच्छे और बुरे लोगों में डिफरेंशिएट करते हो। वाह, लाइक हाउ डू यू कम्युनिकेट विद देम? आप बोल पाओगे यहाँ पे? कम्युनिकेशन टेक्निक एक ही होता है दोनों लोगों के लिए। जैसे कि अगर आपके सामने एक अच्छा आदमी खड़ा है और कोई बुरा आदमी खड़ा है, बुरा तो कोई नहीं होता, बस उनके काम ही उनको डिफाइन करते हैं जो भी है। तो आप जैसे ही अप्रोच करते हो एक इंसान के तरफ, भला अच्छा हो या बुरा हो, वैसे ही हम लोग वैसे ही सेम काइंड ऑफ स्पिरिट्स के साथ हम लोग डील करते हैं। अगर अच्छा है तो हम लोग उनके साथ प्यार से बात करते हैं, अच्छा सा कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई पता चला कि उनकी एनर्जी से, उनकी वाइब से कि नहीं इविल है, नेगेटिव काइंड ऑफ है, तो हम लोग उसको इसी हिसाब से डील करते हैं जैसे हम एक बुरे इंसान के साथ डील करेंगे। अच्छा सरबजीत, मुझे ये बताइए कि जैसे आप उनसे कभी कोई सवाल पूछते हो तो उनके तरफ से जवाब कैसे आता है? जैसे कि आपने इनिशियली क्वेश्चन किया कि आपके कानों में आके सुनाई देता है या फिर मशीन में, सेम आंसर। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है और हमको अपने कानों में ही आके आंसर्स मिले हैं। कुछ बहुत बार हुआ है अपने इन्वेस्टिगेशंस में। फिर हमारे पास डिवाइसेस हैं, तो सपोज जैसे कि एक डिवाइस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं जिसको EMF सेंसर बोला जाता है, और बेसिकली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करता है। तो सपोज हमने कुछ क्वेश्चन पूछा और ये थ्योरी है कि अगर आसपास में कोई एनर्जी फील्ड है, कोई स्पिरिट है, आत्मा है, जो भी रिस्पॉन्ड करती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंशिएट आएगा, ब्लिंकिंग्स आएंगे उसमें। तो अगर कुछ है वहाँ पे जो कि लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकता है, तो शायद हम लोग उसको यूज करके हम लोग उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये मान के हम लोगों ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया। और जब हमने ये ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, तो हमको पता चला कि हाँ, जो स्पिरिट है वो लोग हमारे क्वेश्चन से वो लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और उसी हिसाब से हम लोग कम्युनिकेशन करना चालू किए। उसके अलावा और बाकी भी डिवाइसेस हैं जो कि यूज किया जाता है। ओके, तो लिसनर्स, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि सर्वजीत SOA डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के ITER कॉलेज के एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। और जब मुझे ये बात पता चली थी तो मैं खुद और एक्साइटेड हो गया था कि यार, एक इंजीनियरिंग का बंदा ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में क्या कर रहा है। तो सर्वजीत, पैशन प्रोफेशन कैसे मैनेज कर रहे हो यार? अब पैशन एक ऐसा चीज़ है जो भले कुछ भी हो जाए आपके सामने, वो ड्राइव करता रहेगा आपको। दैट इज़ लाइक द बैटरी हमारे अंदर जो होती है। जो लोग जिनके अंदर पैशन नहीं है, आई थिंक वो लोग एक मुर्दे की तरह हैं जो कि वही कर रहे हैं, एक ड्रोन के तरह हैं जो कि बस चल रहे हैं फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल। और जिनके अंदर पैशन होता है, दे नो के मेरा रास्ता ये है, और वही चीज़ है जो कि उनको स्टीयर करके चला कहती है, तो वही है। सर्वजीत, तो मुझे ये बताइए कि इंजीनियरिंग जो कि बहुत टफ माना जाता है और बहुत ही कंसंट्रेशन चाहिए उसको करने के लिए, और दूसरी तरफ आपका जो पैशन है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता होगा, तो कैसे मैनेज कर रहे हो दोनों चीज़ों को एक साथ? नहीं बिल्कुल, आपने सही कहा। मुझे याद है जब शायद पिछली सेमेस्टर की बात है, फिर उसकी पहले की बात है, मेरा शूटिंग चल रहा था माने के नमाने के लिए, और हम लोग का शूटिंग शेड्यूल काफ़ी शॉर्ट होता है लेकिन काफ़ी हेक्टिक होता है, क्योंकि 30 मिनट्स के एपिसोड के लिए हम लोग को 6-7 घंटा का शूटिंग करना पड़ता था। तो सपोज अगर हम लोग को कहीं दूर जाना है जो कि 200 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर से, तो हम लोग को मैक्सिमम बाय 2 PM हम लोग को निकलना पड़ता था यहाँ से, ताकि हम लोग शाम होने से पहले वहाँ पे पहुँच जाए। बिल्कुल। तो अगर कॉलेज डेज में देखा जाए, और जनरली क्योंकि शूटिंग जब चालू हो जाता है तो वैसा कोई नहीं होता कि आप सिर्फ वीकेंड में जाओगे, आपको कभी भी कॉल आ सकता है।
तो मुझे याद है कि पहले हम लोग, मतलब मैं कॉलेज आता था, क्लासेस करता था, फिर मुझे कॉल आता था कि नहीं आपका 3 बजे का शूटिंग है, फिर मैं घर जाता था, फिर वहाँ पे 3 बजे हम लोग शूटिंग के लिए जाते थे, और शूटिंग करके हम लोग फिर वापस आते आते रात के 3 बज जाता था, और 3 बजे के बाद फिर हम लोग मतलब मैं स्पेशली बैठ के असाइनमेंट करता था, फिर वापस आता था कॉलेज उसको सबमिट करने के लिए। तो हैक्टिक काफ़ी होता है, लेकिन वही है इनिशियल आंसर जो था, पैशन जो होता है। जी बिल्कुल सरबजीत, हार्ड वर्क तो सभी को करना पड़ता है, आफ्टर ऑल इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो दोस्तों टाइम हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप सुनते रहिए 90.4 सोवा रेडियो। वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं 90.4 सोवा रेडियो, और हमारे साथ बने हुए हैं वर्ल्ड्स यंगेस्ट सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट सरबजीत महांती। तो सरबजीत, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका सबसे खतरनाक घोस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा इस सुपरनेचुरल वर्ल्ड में? वैसे खतरनाक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एडवेंचरस काफी हुए हैं वैसे। जैसे कि अगर मैं शेयर करने चाहूँ तो एक एक्सपीरियंस ऐसा था जब हम लोग केंद्रापड़ा गए थे हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और जो लोकेशन था ये था कि अगर आप लोगों को पता है दैट सुपर साइक्लोन आया था, एंड केंद्रापड़ा वॉज एक ऐसा लोकेशन जो कि सबसे ज़्यादा हिट हुआ था और साइक्लोन से, और बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हुई थी, और ऐसा भी कुछ सीन था कि वहाँ पे डेड बॉडीज बोट्स की तरफ फ्लोट कर रहे थे। ओके, तो सीन ये था कि हम लोग को कॉल आया कि एक फील्ड है, रिवर बेड है, जहाँ पे लोग देख रहे हैं हेडलेस क्रिएचर्स, ब्लैक शेडोज मूव कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और मुझे याद है हम लोग ने वहाँ पे जाके पहुँचा हम लोग, और फिर हम लोग ऐसे इंटरव्यू करते हैं, हम लोग का प्रिलिमिनरी काम होता है लोगों को इंटरव्यू करना। एंड हम लोग जब इंटरव्यू कर रहे थे तो मुझे याद है कि बूढ़ा आदमी आके बोलता है कि साहब ये तो शैतान का ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो ये पहली बार नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ सुना, लेकिन हाँ ये सुन के मुझे लगा कि हाँ ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ टाइम। तो फिर हम लोग जाते हैं लोकेशन में, एंड हम लोग इनिशियली क्या होता है कि बहुत हैप्पीली हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मतलब एनर्जी काफ़ी अच्छी है, जो वाइब आई आजू बाजू से काफ़ी अच्छी है, हवा और ये मतलब अच्छी खासी, तो मज़ा आ रहा था इन्वेस्टिगेशन में। फिर अचानक से क्या हुआ कि पता चलता है कि क्लाउड्स आ चुके हैं और बारिश हो रही है, फिर हम लोग भागते हैं शेल्टर के लिए। फिर जब हम लोग जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वहाँ की जो वाइब थी जो थी पहले वो पूरी मतलब अपसाइड डाउन हो चुकी थी, चेंज हो गई थी। इतनी हैप्पीली हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अब भी जब हम लोग घुसे तो वो काफी भारी हो गया था एनवायरनमेंट, और वो ओपन एयर था, ऐसा नहीं कि घर हो गया, मतलब घर था और बारिश के बाद मॉइस्चर हो गया तो सीन हो गया, नहीं ओपन एयर था, रिवर बेड था। फिर जब हम लोग जाते हैं तो काफी वाइब चेंज हो गई थी, लेकिन हम लोग को एक चीज नहीं हो रहा था कि हम लोग को डिवाइसेस से कुछ नहीं आ रहे थे। तो हमने सोचा क्योंकि इतना बड़ा एरिया था और क्योंकि मैं लीड करता हूँ इन्वेस्टिगेशन को, तो मैंने कहा कि काम करते हैं हम लोग स्प्लिट अप हो जाते हैं, जो हम लोग टोटल 4 मेंबर होते हैं क्रू के, तो मैंने कहा कि आप दो उस तरफ जाओ, मैं और कैमरामैन हम लोग दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, देखते हैं कि किसको क्या मिलता है। तो दूसरा वाला जो टीम था जो कि हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन गया था, हम मैं और जो कैमरामैन थे जहाँ पे खड़े थे, उन्होंने मेरे पीछे कुछ देखा व्हाइट कलर का शैडोइंग फिगर, तो और वो वहां से चिल्ला रहे हैं कि सरबजीत तुम्हारे पीछे कुछ है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, कुछ सुनाई दे रहा है मेरे को, बस सरबजीत सुनाई दे रहा है। तो फिर मैं भाग के जाता हूँ उनके तरफ, ये लगा मुझे कि शायद वो मुश्किल में है अब, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा क्यों हुआ है, तो मुझे जाके देखना है क्या नहीं क्या हो रहा है। मैं वहां पे पहुंचता हूँ तो ही से इसके नहीं, मैंने आपके पीछे कुछ देखा, चलो देखते हैं अगर कोई है या नहीं। तो व्हाट ही से इसके, हम जब उसको लेके जाते हैं वो लोकेशन में, दैट गाइस सेज के मुझे ये एरिया दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लरी दिखाई दे रहा है। मैंने कैसे ब्लरी दिखाई दे रहा है, इट्स नॉट इवन विंटर, हम लोग प्रॉपरली सब कुछ देख रहे हैं, आपको कैसे दिखाई नहीं दे रहा है? तो इसे इनके ने मुझे सब ब्लरी दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ, फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं मिलता है, एक आवर बीत गया है, कुछ नहीं मिलता हमको, लेकिन एनर्जी वैसी है भारी टाइप की, बहुत गंदी टाइप की एनर्जी आ रही थी। फिर हम लोग क्या करते हैं कि मैं और दो क्रू मेंबर्स हम लोग खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं, और हम लोग कैमरामैन को बोलते हैं कि भाई तू जा अब, क्योंकि कुछ तो मिल नहीं रहा और हम लोग को एपिसोड के लिए चाहिए, सीन चाहिए, सब शॉट चाहिए, तो आप जाओ कुछ शॉट वगैरह ले लो पेड़ों की और फील्ड की। और तो ही हम लोग ऐसे खड़े हैं ग्रुप करके, एंड वो दूर में जाके शॉट ले रहे हैं। फिर वो भागे भागे आते हैं चिल्ला के, बचाओ बचाओ करके। फिर क्या हो गया, नहीं कोई मेरे शोल्डर के ऊपर टैप किया, कौन किया, कोई तो नहीं था वहाँ पे, नहीं ना हाँ किसी ने किया है, और कोई पेड़ का ब्रांच नहीं था, कुछ नहीं था, और हम लोगों ने देखा वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था, तो ऐसा भी हो सकता था कि शायद ब्रांच कोई लग के उसको लगा होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था।
एंड जब ऐसा सब सीन कुछ हुआ तो काफ़ी सब कुछ डर गए थे, लेकिन ये डरे हुए टाइम में ही हम लोगों ने एक चीज़ ये नहीं मार किया था कि एक स्पॉट था जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, एंड ये वही स्पॉट है जहाँ पे वो बंदे ने एक व्हाइट कलर का फिगर देखा था, और वही स्पॉट है जहाँ पे वो कैमरामैन पे टैप हुआ था. ओके, फॉर सम रीजन हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, पता नहीं क्या था. फिर एक क्रू मेंबर जाके देखता है एंड ही सीज अ वूडू डॉल. एक वूडू डॉल है जो कि जिसमें ब्लड लगा हुआ है पॉसिबली, क्योंकि रेड कलर का था, एंड वूडू डॉल में क्या डाला जा सकता है, जो कि कपड़े में बंधा पड़ा हुआ था. एंड मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद इट वाज द रीजन जो कि हमको दूर रख रही थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए. और फिर और शायद पहली बार, ये पिछले साल की बात है, और शायद पहली बार 4-5 सालों में जब मैं जा रहा था वो स्पॉट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि नहीं सब बजे नहीं जाना है आगे. तो मैंने एक स्टेप लिया, फिर मैंने पीछे कर लिया, और सारा का सारा क्रू मेंबर जो था वो शॉक था, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 20 एपिसोड कर लिए थे और ये पहली बार वो लोग देख रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन से. और फिर मुझे वहाँ पर याद आया कि एक रीज़न है जो जिसके वजह से मैं पैरानॉर्मल फील्ड पे आया हूँ, एंड वो है मेरे डर को जो मैंने कंकर करना था, मेरे को कंकर द फियर विद इन. हाँ, और अभी वही चीज़ फिर से वापस आ रही है, तो आई हैड नो ऑप्शन देन टू यू नो जाके देखना क्या है क्या नहीं. एंड फिर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, और जब हमने चालू किया तो एक सीन ये हुआ कि हमको वहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जब हम लोग रिटर्न कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि ओपन एयर था, हम लोग को पत्थर की बारिश होने लगी वहाँ. वाओ, पत्थर गिर रहे थे. हाँ, ओ माय गॉड, और पत्थर की बारिश हो रही थी, कैमरा में भी कैप्चर हो रहा है, पत्थर गिर रहे थे उधर से, आसपास में कोई नहीं है, क्योंकि वो जगह इतना र्यूमर्ड है हॉन्टेड करके, रात के 7 बजे के बाद कोई नहीं जाता. हम लोग अकेले हैं, 4 मेंबर का क्रू, एक ड्राइवर बैठा है जो कि डर के बैठा है गाड़ी के अंदर. अच्छा. और हम चाह रहे हैं और पत्थर गिर रहे हैं. फिर मुझे बाद में पता चला, जब हम लोग देख रहे थे कहाँ से गिर रहा पत्थर, तब नजर गई तो पता चला कि वो फुल मून था, पूर्णिमा था उस दिन, तो जो एक्टिविटीज होने वाली थी वो डबल हो रही थी. ओके. तो ओके सर्वजीत, आपकी बातों से तो मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन इस डर को कॉन्कर करेंगे, जैसे आपने कहा, कॉन्कर द फियर विद इन. और लिसनर्स, आगे भी बातें चलती रहेंगी सर्वजीत से. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू 90.4 सोआ रेडियो. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं 90.4 सोआ रेडियो, और हम बात कर रहे थे सर्वजीत महांती के साथ. सो सर्वजीत, आपने हमें अपनी एक स्केरियस स्टोरी बताई. आप बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कर चुके हैं और आप आगे भी करते रहेंगे, बट क्या चीज़ है जो आपको बचाती है इन सारे चीज़ों से, लाइक क्या वो है, मतलब नहीं डरना. एक चीज़ जो होता है ना कि आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि अगर आप कोई भी जगह पे जाते हो और आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, आप जितना ज़्यादा डरोगे वो चीज़ आपको उतना ज़्यादा डराएगी. कॉमन साइकोलॉजिकल थिंग है. तो अगर आप नहीं डरोगे और आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं डरना है, तो मे बी जो चीज़ है वो आगे आपके साथ कुछ भी नहीं, मतलब शायद कुछ ना करे और निकल जाए. तो वही सीन मेरा भी है. अगर मैं नहीं डरूं और मैं ये जानता हूं कि जो चीज़ मैं डील करने जा रहा हूं मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूं, जो चीज़ मैं डील करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक इथरल बॉडी है और मेरे पास एक फिजिकल बॉडी है. Okay. तो मैं अल्टीमेटली उससे ज़्यादा पावरफुल हूं. तो वो जो एक लेवल क्रिएट करके जाता हूं मैं, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि हमको प्रोटेक्ट करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग एनीवन जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डील करता है, मेडिटेशन इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि सबको करना चाहिए. नॉट ओनली जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से डील करते हैं, आप अगर डे टू डे आप कोई काम में जाते हो, कोई कॉलेज आता है या फिर कोई जॉब करने जाता है, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको ही एक नेचुरल शील्ड देता है आपको. आपकी ऑरा बढ़ती है मेडिटेशन से, एंड वो प्रोटेक्ट करता है आपको सारे काइंड ऑफ इमोशंस, बैड इमोशंस, एविल इमोशंस, जो कि लोग बोलते हैं नजर लगा देना, वो बच जाते हो आप उससे, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बच के ही रहते हो. अच्छा सरजीत, मेरा एक सवाल है जो कि लिसनर्स भी जानना चाहते होंगे कि इन सब चीज़ों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है. अब यह है कि
जो चीज आपने जो वर्ड बोली साइंटिफिक, वही अभी इतना लिमिटेड करके हमको दिखाया जाता है कि हम लोग ये पार्ट को देखते नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, एटम्स और ऐसे जो ऊपर ऊपर जो चीजें दिख रही हैं वही सब कुछ है हमारे लिए, और लोग ये एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं। तो साइंस तो नहीं बोलूंगा, हाँ क्वांटम साइंस बहुत बिलीव करती है इस पे, मेटाफिजिक्स में बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि इस पे बिलीव करते हैं, और एक थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी करके जो कि क्वांटम फिजिक्स का एक पार्ट है, जिसमें बोला जाता है कि जो चीज है इस यूनिवर्स में, जैसे कि मतलब कोई चीज घट नहीं सकती इस यूनिवर्स में, अगर एक चीज भी घटी, एक चीज का भी एब्सेंस हुआ तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा। तो हम लोग जो मरते हैं, हम लोग की एनर्जी कहाँ जाती है, इधर ही तो होगी कहीं पे। मेटाफिजिक्स का एक थ्योरी ये है कि सर्वाइवल हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसमें ये है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारे जो इमोशंस है, वो सर्वाइव कर जाते हैं फिजिकल डेथ, एंड शायद वही है जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, जिसको हम लोग स्पिरिट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अगर डिटेल में जाएंगे तो एक शो से ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ बहुत सारी थ्योरीज है जो सपोर्ट करते हैं। तो लिसनर्स, जैसा आपने सुना कि सर्वजीत महंती, जो कि वर्ल्ड के यंगेस्ट डीमोनोलॉजिस्ट या फिर मैं कहूँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने कहा कि योगा, उन्होंने कहा मेडिटेशन, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी चीज़ को अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए। सरबजीत, एक फाइनल क्वेश्चन, ये सब चीज़ें हमने सुनी है कि बहुत नेगेटिव होती हैं या फिर कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, तो एक इंसान क्या करे जो कि इन सब चीज़ों से हटके है और खुद में एक पॉजिटिविटी मेंटेन रखे। अब पहला चीज़ तो ये होता है कि आपको खुद से शुरू करना पड़ेगा कि नहीं मुझे पॉजिटिव होना है, वो एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आप ऐसे बैठ के नहीं बोल सकते हो कि नहीं मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आपको पहले मेडिटेशन, लोग जैसे आपने कहा कि मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज पॉजिटिविटी लाने में, बट हाँ लोगों ने वो कॉमन मिसकंसेप्शन वो डाला हुआ है कि मेडिटेशन में क्या होता है कि आपको कॉन्सेंट्रेट करके देखना है एक जगह पे, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको जो गाना पसंद है आप वो प्लग इन करके वही सुनते रहो और कुछ भी नहीं करो, वो आपके लिए मेडिटेशन है। और जैसे कहा पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी को शायद हम लोग को अपना बेस्ट फ्रेंड ही बनाना है, लाइक मेक इट अदर देन मेकिंग, मतलब आप बनाओ इंसानों को बेस्ट फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनिमल्स किसी को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, बट पॉजिटिविटी आई थिंक शुड बी योर शैडो, बिकॉज इन अ वर्ल्ड जहाँ पे जैसे आपने कहा कि पॉजिटिविटी है, नो डाउट नेगेटिविटी भी उसी हिसाब से है, पॉजिटिव रहना इज काफी इम्पोर्टेंट। जिम सर्वजीत, आप बहुत ही यू नो बहुत ही फियरलेस साउंड कर रहे हो, एंड आई नो आप बहुत ही फियरलेस हो, बट क्या एक ऐसी चीज है जिससे आप डरते हो? पहले मैं डरता था स्ट्रीट डॉग से अपनी। ब्रिलियंट आंसर सरजीत। लिसनर्स, जैसा आपने सुना कि हम सरजीत मोहंती से बात कर रहे थे, उन्होंने अपने पैशन के बारे में बताया, उन्होंने अपने काम के बारे में बताया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सारे यंग हिंदुस्तान के लिए एक सीख है। वो सीख क्या है कि अपना पैशन फॉलो करो। जरूरी नहीं वो इंजीनियरिंग ही हो, जरूरी नहीं वो डॉक्टरी करना ही हो, जरूरी नहीं कि वो एक बहुत ही रियोन्ड ऑक्यूपेशन हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में अच्छे हो, आप क्या करना चाहते हो। टिल देन आपसे और बातें चलती रहेंगी, नए नए शोज आते रहेंगे, तो सुनते रहिए 90.4 सोआर रेडियो।